कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। यही करिश्मा देलवड़ा के स्थानीय नागरिक प्रताप सिंह जी ने कर दिखाया है, जिनके दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी वो एक आम आदमी की तरह अपना सारा काम बड़ी सरलता के साथ में कर लेते हैं। ये उदाहरण कहूँ या प्रेरणा उन लोगों के लिए जो कि बड़े बड़े हादसों के बाद में जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। सन 2006 में उन्हें एक बीमारी के कारण अपने शरीर के दोनों पैर व हाथ की कुछ उंगलियां कटवानी पड़ी। उन दिनों काफी बीमारियां फैल रही थी, मलेरिया, चिकनगुनिया। वहाँ पे मेरे को दो दिन हल्का बुखार आया, मैं अपने आप ही बाइक लेके डॉक्टर के पास पहुँचा। तो डॉक्टर ने क्या है कि मुझे हो रहा था जॉइंटिस, वो बिना जो उसके जांच पड़ताल के उसने मुझे मेरा वायरल का इलाज चालू कर दिया, और उसके अंदर फिर ये गलत इलाज से मुझे काफ़ी नुकसान हो गया। तुरंत जो आधी रात में अहमदाबाद प्रस्थान कर दिया, और बीच रास्ते में मुझे गैंग्रीन का प्रभाव शुरू हो गया, उससे मेरे हाथ पैर में नुकसान हो गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये ऑपरेट करना पड़ेगा, और हमने तो सोचा कि दवाइयों से ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसका यही रास्ता है, तो फिर इसका ऑपरेशन कराया। इस हादसे के बाद उन्हें अपने जीवन में जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। ऑपरेशन होने के बाद मैं नर्वस हो गया था, क्योंकि पोजीशन ऐसी होगी कि मैं पराया कोई तोक के ले जाएगा या इधर उधर जाना है तो किसी को कहेंगे तभी जा पाता। लेकिन उनके परिवार के सहयोग से जीने की उन्हें एक नई उम्मीद जगी। इस हादसे के 2 साल बाद उन्होंने अपने दोनों पैरों के लिए नकली पैर लगवाए। लेकिन जूं जूं समय निकला और मेरे अंदर शक्ति जैसे रिकवर होनी शुरू की, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पैर तो थे नहीं, पैर नहीं होने से मैं चलना फिरना तो मुश्किल था। कुछ अच्छे जानकार थे हमारे परिचितों में से, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जयपुर जाइए और जयपुर फुट का इस्तेमाल, मतलब आपके ठीक रहेगा। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है इसको बैलेंस बनाना चलने में, तो करीब 6 महीने में मेरे को जाके ये सेट हुए। धीरे धीरे मैंने इतना आत्मविश्वास आया कि मैं फिर बाइक भी चलाने की कोशिश की। मैंने शुरू में तो लगा गिर जाऊंगा मैं, लेकिन जो जो मैंने थोड़ी थोड़ी ट्राई की तो मेरा जो जो आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और फिर आज की स्थिति में मैं जो इसके द्वारा कहीं भी आ जा पा रहा हूँ। इसके बाद में आप किस सरलता के साथ में ये सारे काम कर सकते हैं? मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, अपने आप अपने काम नित्य कर्म जो भी कहीं जाना है किसी से मिलना है ये सब मैं कर लेता हूँ। देखिए जीवन में कई तरह की घटनाएं आ सकती है इंसान के, और उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। घबरा के अगर बैठ जाता है इंसान तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, यानी वो फिर उसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारे जीवन में कुछ करने का मौका सिर्फ हमें एक बार मिलता है, परंतु ऐसे हादसों के बाद में कुछ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज की ये कहानी प्रताप सिंह जी की उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कि जीवन में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, परंतु ऐसे हादसों के बाद में कुछ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मैं शंभू देलवड़ा से इंडिया अनहट के लिए।